बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको इकामा के मुतल्लिक एक न्यूज़ सामने आई है जी, इससे अपडेट करना चाहता हूँ मैं। ये इतनी को मैं बोलता हूँ कि हर बंदे को ऐसी कुछ ज़रूरत तो नहीं पेश आने वाली है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे मौके से हमें बचा कर ही रखे तो यही अच्छा है। वरना भाई आपको पता है जी, जद्दा में एंड जो खासकर पर्रा वगैरह वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर ऐसे सीन भी हमें देखने को मिलते हैं कि आपका वैलेट ही गैप हो जाता है, यानी कि पर्स ही वो चोरी कर लेते हैं और आपके रियाल वगैरह और निकाल कर बाद में इकामे के लिए भी 1000 रियाल मांग लेते हैं या 500 रियाल दो, तो फलां जगह पर आपका इकामा पड़ा होगा, उठा कर ले जाओ। ऐसे वाक़ मैंने सुने हैं जी, होते होंगे। बहरहाल जो अपडेट सामने आई है वो ये है जी कि मैं अगर आपका इकामा फर्स्ट टाइम गुम हो जाता है, मैं अभी बनीमालक में था और मैं, आप यकीन करें कि बनीमालक में था मैं कुछ एक दो तीन दिन ना फ्री रहता था मैं, आखिरी लास्ट गालबन 5-6 माह, तो 2-3 दिन मैं एक बंदे के साथ था, उसके यानी कि उसके साथ काम पर गया हुआ था। तो वो एक दिन, अच्छा 2 दिन मेरा ख्याल है, 3 दिन मैं गया हूँ, ये बात सुन लीजिएगा आपको यकीनन मज़ा आएगा। तीसरे दिन मैं नहीं गया, मैं ज़ाहरी सी बात फ्री रहता था, तो मैंने बोला यार मैं नहीं जाऊँगा, तो वो चला गया। वो बोलता है जी मैं काम कर रहा था ना, तो मैंने अपना पर्स ऐसे रखा हुआ था ऊपर, जब छुट्टी हुई है शाम टाइम तो मैंने उतरा, वो पर्स अपना भूल गया हूँ लेना। अमारा से नीचे आया हूँ, 3-4 मंजिला अमारा था, बोलता नीचे आया हूँ, तो जब मैं वो पर्स मेरा रह गया ऊपर, ऐसे मुझे मैंने यानी कि, तो मैं पर्स लेने गया हूँ, ऊपर पर्स ही नहीं है। वो अमारे वाला सऊदी था और मेरे साथ जो मेरा ठेकेदार वगैरह था वो था और मैं था और ऊपर 2 बंदे और काम कर लगे हुए थे, सबकी तलाशी ले ली, सब ने बोल दिया, उसने बोला हम नहीं वसूल है भी, मेरा पर्स नहीं मुझे मिला जी। वो बोलता उसमें 3000 रियाल थे मेरे, वो भी गए और साथ में इकामा भी गया। यानी कि अगर आपका इकामा गुम हो जाता था, बात सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, तो हम क्या करते थे, करीब करीब किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देते थे जो कि फ्री में होती है, उसके बाद जाकर हम न्यू 500 रियाल की न्यू कॉपी निकलती है इकामे की, वो निकलवा लेते थे। अभी कुछ ऐसा हो चुका है जी, अगर आपका फर्स्ट टाइम इकामा गुम हो जाता है तो आपको 500 रियाल ही आपका लगेगा, आपका न्यू इकामा आपको दे दिया जाएगा उसका प्रिंट निकाल कर। अगर सेकंड टाइम, यानी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अगर दूसरी मरतबा भी ऐसा ही होता है कि आपका इकामा गुम हो जाता है, एक कार्ड यानी कि नेशनलिटी आपकी गुम हो जाती है, हमारी तो नेशनलिटी है सऊदीया की, ये जो इकामा होता है आपको पता है, तो अगर ये आपका कार्ड इकामा गुम हो जाता है तो सेकंड टाइम आपको इसके ऊपर 1000 रियाल का फाइन होगा, यानी कि आपको 500 रियाल देकर इकामा निकालना ही पड़ेगा और उसके अलावा आपको 1000 रियाल फाइन भी देना होगा। और अगर आपके पास खुदा ना ख्वास्ता इकामा ही नहीं है, यानी कि इकामा गुम हो गया, आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है और निकाल नहीं रहे हैं, तो फिर 10000 रियाल का फाइन है, ये भी क्लियर कर दूं मैं आपको। आपके पास आपको शुरता दौरियत वगैरह कोई बंदा रोक लेता है, आपके पास से इकामा अगर वो पूछता है इकामा दिखाओ, तो अगर आपके पास इकामा नहीं है उस टाइम, तो आपको 10000 रियाल का फाइन है जी, ये भी।